नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज हम महत्वपूर्ण संविधान का जो टॉपिक लेकर के आ गए हैं, यानी कि संविधान के सभी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो उन सभी चार पाँच टॉपिकों के बारे में हम इस एक लेक्चर में बात करेंगे। तो मित्रों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम सर्वप्रथम आपसे एक आग्रह करना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और पास में ही जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर ले ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप डायरेक्ट उसका लाभ ले सके। तो मित्रों, आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए, अपने मित्रों तक इसको व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम इत्यादि में आप शेयर कीजिए। मित्रों, इसको कोरोना की तरह फैला दीजिए, आग लगा दीजिए सोशल मीडिया पर, हमारे वीडियो को इतना फैला दीजिए। अभी तो हमारे क्या है, सब्सक्राइब भी कम ही है, इसलिए हम क्लासे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं। तो यदि आपने हमारा साथ दिया है तो हम अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण टॉपिक और जीके के, साइकोलॉजी के, सभी के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है परीक्षा में आने लायक, हिंदी के सभी के टॉपिक लेके आएंगे और एक से बढ़कर एक वीडियो बनाएंगे। तो मित्रों, बिना देरी किए हुए हम पढ़ते हैं संविधान के इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में, इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे जो भारत का संविधान है उसने अन्य देश के संविधान से क्या लिया गया है, अर्थात भारत के संविधान ने डायरेक्ट क्या उठाया है, तो उन्हीं के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मित्रों, सर्वप्रथम हम अमेरिका के संविधान की बात करते हैं कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है। और मित्रों, इस बात को भी आप याद रखें कि अमेरिका का संविधान कब बनाया था, यानी कि 1789 में बनाया था, 1789 में बनाया था। और मित्रों, न्यायिक पुनरावलोकन हमारे भारत के संविधान ने अमेरिका के संविधान से लिया है। इस बात को आप याद रखिएगा कि न्यायिक पुनरावलोकन है वह अमेरिका से लिया है। और जो मौलिक अधिकार है, हमारे छह मौलिक अधिकार हैं, छह मौलिक अधिकार है मित्रों, पहले क्या है, सात थे और अब कितने हो गए हैं, छह हो गए हैं मित्रों। और जो सातवां कौन सा था, संपत्ति का अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार मित्रों कौन से अनुच्छेद में चला गया है, अब यानी कि ये हो गया है अब 300 के क, अनुच्छेद 300 के क में चला गया है मित्रों। इस बात को भी आप याद रखिएगा मित्रों, पूछ लिया जाता है कि संपत्ति का अधिकार पहले था वह कौन से अनुच्छेद में, यानी कि विधि विधि बना दिया गया है उसको, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो यानी कि ये 300 का क हो जाएगा मित्रों, आप इस बात को भी याद रखिए। आगे हम बात करते हैं मित्रों, जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वह प्रक्रिया ली गई है। आगे हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय, यानी कि अर्थात उच्चतम न्यायालय में जो संविधान की सर्वोच्चता है वह भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, अर्थात वह अपना डिसीजन, अपना निर्णय बिना दबाव के, अर्थात वह स्वतंत्र पूर्व कर सके, यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इस बात को आप याद रखिए कि स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से ली गई है। आगे हम बात करते हैं कनाडा के संविधान की। कनाडा के संविधान जो 1946 में बन गया था, और कनाडा के संविधान से आप एक ही चीज़ याद रखिए कि कनाडा के संविधान का जहाँ भी नाम आए तो कि कनाडा के संविधान से, यानी कि कनाडा से क्या लिया गया है, तो संघात्मक व्यवस्था या अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई है। मित्रों, आप इस फैक्ट को याद रखिए कि संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से ली गई है। आगे हम बात करते हैं आयरलैंड की। इसको आप इम्पोर्टेंट कर ले कि आयरलैंड से हमेशा से क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इस चीज़ को याद रखें कि आयरलैंड का जो संविधान बना था वह 1937 में बना था। और मित्रों, आयरलैंड से भारत ने क्या लिया गया है, यह इम्पोर्टेंट, इनकी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा मित्रों। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही पूछा गया है कि जो राज्य की नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिए गए हैं, या इसको राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी बोलते हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और मित्रों, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की रीति है ना, वह कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की रीति है वह कहाँ से अपनाया गया है, वह आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। आगे हम बात करते हैं ब्रिटिश अर्थात ब्रिटेन के संविधान की। मित्रों, ब्रिटेन के संविधान में आप याद रखें कि
कि संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसदीय शासन व्यवस्था और विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, यह भी ब्रिटिश संविधान से ली गई है। और एकल नागरिकता भी ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है, जो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है उसकी जो मूल स्थिति है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इस बात को आप याद रखिएगा मित्रों। आगे हम बढ़ते हैं मित्रों, हम आगे बात करते हैं पश्चिमी जर्मनी का जो संविधान है यह 1933 में बन गया था, और यहाँ से जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल उपबंध। इस बात को आप याद रखिए कि जहां भी आपात आएगा वहां पर आपको जर्मनी याद आ जानी चाहिए कि आपातकाल में कौन साथ देता है, जर्मनी साथ देती है। तो मित्रों आपको इस प्रकार से लिंक करते हुए पढ़ना है कि आपातकाल का उपबंध कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आगे हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका यह महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, इस बात को याद रखिएगा कि जो संविधान का जो संशोधन की पद्धति है यह कहाँ से ली गई है, यह दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इस बात को आप विशेष याद रखिएगा मित्रों कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह कहाँ से ली गई है, दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। आगे हम बात करते हैं मित्रों सोवियत संघ की, अर्थात सोवियत संघ का पहले क्या है, सोवियत संघ था, इसको हम रूस भी बोल सकते हैं। तो यह सोवियत संघ, अर्थात सोवियत संघ की जगह यदि रूस भी दे दिया जाए तो आपको इसी को मानना है। तो यह 1946 में जो सोवियत संघ का यह क्या बन गया था, संविधान बन गया था 1936 में, सॉरी 1936 में सोवियत संघ का संविधान बन गया था। और आपको यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जो जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से या रूस से लिए गए हैं। और आगे हम बात करते हैं फ्रांस की संविधान, जो फ्रांस का संविधान है या फ्रांसीसी संविधान है 1946 में बन गया था मित्रों। और जो यहाँ से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। इस बात को आप याद रखिए कि फ्रांस फ्रांस किस चीज के लिए जाना जाता है, गणतंत्र व्यवस्था के लिए जाना जाता है। तो गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था ली गई है कहाँ से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से आप याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है यह 1901 में बन गया था, और यहाँ से ली गई है हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है, शैली ली गई है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और मित्रों जो समवर्ती सूची है यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और शक्तियों का विभाजन है, केंद्र और जो राज्य है उनमें जो शक्तियों का विभाजन है यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना, समवर्ती सूची और शक्ति, ये तीनों बातों को आप याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और एक अंत में आप और एक बात याद रखिएगा कि जो जापान का संविधान है वहां से क्या है, अनुच्छेद का प्रावधान लिया गया है। अनुच्छेद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, अर्थात जापान से लिया गया है। आप इस बात को याद रखिएगा मित्रों। आगे हम बात करते हैं कि भारत के जो संविधान की अनुसूचियां हैं वो जो 12 अनुसूचियां हैं इनके बारे में एक एक के बारे में देखते हैं कि कौन सी अनुसूची में क्या दिया गया है। सारी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी अनुसूची की क्या विशेषता है, उसमें क्या उपबंध किए हैं, क्या नियम दिए गए हैं, क्या तथ्य हैं, सभी के बारे में हम बात करते हैं मित्रों। देखते हैं हम पहली अनुसूची। पहली अनुसूची है जिसमें संघ एवं राज्यों का उल्लेख है मित्रों। संघ एवं राज्यों का उल्लेख किसमें है मित्रों, संघ एवं राज्यों का उल्लेख पहली अनुसूची में है। आगे हम देखते हैं मित्रों दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो दूसरी अनुसूची में दिया गया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो वेतन वेतन की जो व्यवस्था की गई है मित्रों, जो वेतन से संबंधित है, वेतन की जो व्यवस्था की गई है ये कहाँ की गई है, दूसरी अनुसूची में की गई है मित्रों। आप याद रखिएगा जो जितने भी जो मतलब ये पद हैं, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो वेतन वगैरह होते हैं, वेतन, ये वेतन और भत्ते, भत्ते को भी आप याद रखिएगा मित्रों, भत्ते, ये भत्ते होते हैं, तो वेतन और भत्ते ये दूसरी अनुसूची में आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, इनकी जो व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं, अर्थात जो मंत्री और राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति और जो न्यायाधीशों के लिए जो शपथ के लिए जो प्रावधान बना गया है उनकी जो प्रतिज्ञा का प्रारूप है यह तीसरी अनुसूची में आ जाता है। मित्रों जितने भी लगभग ये जो जितने पद दिए गए हैं इनकी जो शपथ का जो प्रावधान आ जाता है, दूसरे में तो आपको क्या रखना है वेतन और भत्ते, और तीसरे में याद रखना है आपको शपथ, इनकी शपथ तीसरी अनुसूची में दिलाई जाती है। आगे हम बात करते हैं चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है। तो चौथी अनुसूची में आप याद रखिएगा मित्रों, जो संविधान सभा में विभिन्न जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के जो स्थान हैं उनका आवंटन किया गया है, अर्थात राज्यसभा में जो मतलब जो पद जो मतलब जो सीटों का आवंटन है वो सीटों का आवंटन है इनके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में उनका आवंटन कौन से अनुसूची में किया गया है, चौथी अनुसूची में इन सभी का आवंटन किया गया है। आगे हम बात करते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में उल्लेख कहाँ पे मिलता है, पांचवी अनुसूची में। इस बात को आप याद रखिए, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति इन दोनों के बारे में आप याद रखिए कि ये दो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में जो प्रावधान जो प्रशासनिक प्रावधान है वो पांचवी अनुसूची में दिया गया है। आगे हम बात करते हैं छठवीं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में है जो स्पेशल जो कुछ राज्य हैं उनके बारे में जो प्रावधान है प्रशासन है वह बताया गया है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, इनमें जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। मित्रों जो मतलब पूर्वोत्तर राज्य है जिनको हम सेवन सिस्टर कहते हैं, हालांकि वो सभी नहीं है, जो जिनमें से असम आ गया, मेघालय आ गया, त्रिपुरा आ गया, मिजोरम आ गया, इनके सभी जो जनजातीय क्षेत्र है उनके जो प्रशासनिक जो प्रावधान दिए गए हैं ये छठी अनुसूची में दिए गए हैं। हम आगे बात करते हैं सातवीं अनुसूची के बारे में। सातवीं अनुसूची के बारे में जो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, जो तीनों प्रकार की जो सूचियाँ आ जाती हैं ये सातवीं अनुसूची में आप याद रखिएगा मित्रों। यहाँ से सप और सात हो जाएगा ना, सप और सात हो जाएगा और सूची पोर क्या हो जाएगा, जो सूचियाँ दी गई हैं तीन सूचियाँ, तो सप और सूची हो जाएगा, तो इनकी सह से सब मिलान कर दीजिएगा। और ऐसे भी आपको याद ना रहे तो आपको इस प्रकार से याद रखना है कि सातवीं सूची क्या है, सातवीं सूची सूचियों की भी सूची है, सूचियों की भी सूची है, क्योंकि ये भी सातवीं अनुसूची है और ये भी ये जो सूचियों का जो तीन सूचियां हैं ये देर की है, तो इनके बारे में बताया गया है। तो सातवीं क्या है, सातवीं सूचियों की सूची है, सातवीं सूचियों की सूची है, इस बात को आप याद रखिए। आठवीं, आठवीं तो आप सभी जानते हैं कि जो भारत की जो 22 भाषाओं का उल्लेख है उनके बारे में जो आठवीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है, आप इस बात को आज याद रखिए कि जो सभी जो 22 भाषाएं हैं उनको जोड़ा गया था तो आठवीं अनुसूची में उनका उल्लेख है। नौवीं अनुसूची में आप याद रखिए कि भू सुधार यानी कि भूमि सुधार संबंधी जो अधिनियम दिए गए हैं, नौवीं अनुसूची में भूमि भूमि के बारे में दिया गया है, इनकी भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम है वह नौवीं अनुसूची में दिया गया है। और आप याद रखिए जो दसवीं अनुसूची है इसमें दल बदल यानी कि 10 पोर यानी कि 10वीं अनुसूची है यानी कि द फोर 10 और दल पोर दल, अर्थात इसको क्या बोलते हैं दल बदल, दल बदल यानी कि दल बदल की नीति 10वीं अनुसूची में है, दल बदल निरोध उपबंध के बारे में बताया गया है। आप तो इस बात को आप याद रख ले कि जो दल बदल की जो नीति है वह उसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है, 10वीं अनुसूची में, और इसको जो दल बदल की नीति को क्या बोलते हैं, आयाराम एंड गयाराम बोलते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा मित्रों। और जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज है इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं मित्रों, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, और 12वीं अनुसूची है उनमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो मित्रों आप इन फैक्टों को याद रखिए और आगे हम बात करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से हैं हमारे, वो जो हमारे एग्जाम में काम आने लायक है उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो मित्रों महत्वपूर्ण अनुच्छेद में देखते हैं अनुच्छेद एक में क्या दिया गया है। अनुच्छेद एक में दिया गया है संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में, जितने भी जो राज्य के क्षेत्र है वह कहाँ पर आते हैं, अनुच्छेद एक में आते हैं, यानी कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्रों के जो नाम आते हैं वह अनुच्छेद एक में आएंगे। और मित्रों अनुच्छेद दो में आपको याद रखना है नए राज्यों का जो प्रवेश होगा, जितने भी जो नए राज्य हैं उनकी स्थापना होगी वह दूसरे अनुच्छेद में जोड़े जाएंगे, यानी कि इसमें ऐसा अनुच्छेद दो में ऐसा उपबंध किया गया है, ऐसा नियम बताया गया है
कि जो उसमें क्या है, नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हैं, अर्थात दो राज्यों को ही सीमा को एक राज्य भी बनाया जा सकता है, या एक राज्य को दो राज्यों में भी डिवाइड किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो नए राज्यों का जो गठन होगा, जो उनका पुनर्गठन होगा, वो कौन से अनुच्छेद में आ जाएगा? दूसरे अनुच्छेद में आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक मित्रों क्या हो जाते हैं? हमारे मूल अधिकार हो जाते हैं, मूल अधिकार हो जाते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक हैं, कौन से अनुच्छेद तक हैं। तो मित्रों ये हो जाएगा कि 12 से 35 तक मूल अधिकार आ जाएंगे। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो क्या है इसमें, क्या है, विधि के समक्ष समानता आ जाएगा। 14 में आ जाएगा विधि के समक्ष समानता आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं 17। और मित्रों 17 में आपको ऐसे याद रखना है कि 17 में है क्या है, 17 इज फॉर द खतरा। और खतरा से आपको याद रखना है कि किसी के साथ में इनकी भेदभाव नहीं करना है। अस्पृश्यता का अंत इसमें किया गया है, यानी कि किसी के साथ में हम भेदभाव नहीं कर सकते, किसी के बारे में हम छुआछूत के बारे में कोई भी बात नहीं कर सकते, अर्थात इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो अनुच्छेद में खतरा है मित्रों, इसके बच के रहिएगा। आप किसी के साथ में जातिगत व्यवहार ना कीजिएगा कि ये निम्न जाति का है, ये उच्च जाति का है। किसी के साथ में छुआछूत की जितना भी जो बातें आती हैं, यह अस्पृश्यता के अंदर आ जाती हैं। और ये 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है मित्रों। और आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 19 के एक के क्रम में, अनुच्छेद 19 के एक के क्रम में, इसको आप इसी प्रकार से याद रखिए कि 19(1) के क्रम में क्या दिया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 1 के क्रम में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है मित्रों, हम किसी भी बात को प्रेषित कर सकते हैं, इसके बारे में है, यह स्वतंत्रता दी गई है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसमें दिया गया है। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है, यानी कि कोई भी मतलब हमारी हत्या नहीं कर सकता, अर्थात हमारा देह का नुकसान नहीं कर सकता, किसी के साथ में अन्याय नहीं कर सकता, तो ये इसमें आ जाएगा मित्रों। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में आ जाएगा, यानी कि जो बाल श्रम है वह निषेध दिया गया है। बाल श्रम से संबंधित जो निषेध है वह किसमें, अनुच्छेद 23 में दिया गया है। और अनुच्छेद 24 में क्या हो जाएगा मित्रों, बाल श्रम निषेध, अर्थात ये इसको आप ऐसे याद रखिए, इसमें तो आ जाएगा बालात श्रम, अर्थात बलपूर्वक कोई भी चॉइस में अपन किसी से भी कार्य नहीं करवा सकते। और जो बाल श्रम हो जाएगा ये 23 में हो जाएगा। और 23 में ये उपबंध है कि 14 वर्ष से नीचे आयु के जो बालक है उनसे हम किसी भी प्रकार के जो कारखाना है और या किसी भी प्रकार की जो कंपनी है या उद्योग है, हम उससे किसी भी प्रकार का श्रम नहीं करवा सकते। तो इस प्रकार का जो प्रावधान है अनुच्छेद 23 में है, और अनुच्छेद 24 में बलात् श्रम है, अर्थात जबरदस्ती किसी के साथ में हम काम नहीं करवा सकते। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 36 से 51। 36 से 51 में आपको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ पे आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में आ जाते हैं। राज्य की नीति निर्देशक 36 से 51 में आ जाते हैं, आप इस बात को याद रखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है ये आ जाएगा, ग्राम पंचायतों का संगठन मित्रों। ग्राम पंचायतों का संगठन आ जाएगा मित्रों, एक ग्राम पंचायत किस प्रकार से काम करती है, इनका संगठन गठन कैसे प्रकार का होना चाहिए, तो अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 के क्रम है। अनुच्छेद 21 के क्रम है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। और निःशुल्क शिक्षा मित्रों जो होते हैं 14, यानी कि 0 से लेकर के जो 14 वर्ष के बालक होते हैं इनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है मित्रों, जो ये आ जाएगा अनुच्छेद 21 के क्रम है। मित्रों आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है और शेयर नहीं किया है, तो मित्रों इसको शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार के हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे मित्रों। हम आगे बात करते हैं बिना देरी किए हुए, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 का क। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूल कर्तव्य मित्रों क्या कितने दिए गए हैं,
ग्यारह दिए गए हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा मित्रों, मूल कर्तव्य ग्यारह है। और आप इस बात को याद रखिएगा कि मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 के क्रम में दिया गया है। आगे हम बात करते हैं जो राष्ट्रपति का जो मतलब राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है कि एक राष्ट्रपति का पद होगा, तो वह कहाँ पे दिया गया है, अनुच्छेद 52 में दिया गया है। और आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 पर, अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन आ जाएगा और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग आ जाएगा। मित्रों ये कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है यह अनुच्छेद 61 में लगाया जाता है। आपसे आप बात करते हैं आगे कि अनुच्छेद जो 72 है, अनुच्छेद 72 यह राष्ट्रपति को समाधान अर्थात जो समाधान करने की जो शक्ति दी गई है, अर्थात वह किसी व्यक्ति को यदि दोषी ठहरा दिया गया है या फांसी की सजा हो गई तो उसकी सजा को वह माफ कर सकता है, या उसकी जो मतलब कुछ भी है तो उसको क्या समाधान कर सकता है, उसमें ऐसा पावर कहाँ पे दिया गया है, अनुच्छेद 72 में दिया गया है। आगे हम बात करते हैं मित्रों जो अनुच्छेद 74 है, इसमें भारत के राष्ट्रपति के सॉरी भारत के प्रधानमंत्री के पद की बात की गई है। अनुच्छेद 79 में बात की गई है मित्रों, संसद का गठन आ जाएगा इसमें, अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। और अनुच्छेद 81 और 80 में बात कही गई है राज्य और लोकसभा का गठन आ जाएगा। राज्य और लोकसभा का गठन कहाँ पे आ जाएगा मित्रों, 80 और इनकी क्रमशः आ जाएगा 80 और 81, इनकी लोकसभा और राज्यसभा आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 करता है इनकी लोकसभा का विघटन, लोकसभा के विघटन के बारे में बात करता है अनुच्छेद 85। और मित्रों आगे हम बात करते हैं मित्रों को किसके बारे में, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 और 108 का अंक आते हैं आपको एक बात का आभास होता होगा, एम्बुलेंस आती है। और एम्बुलेंस आती है तो एम्बुलेंस का नंबर है ये 108, तो आप एम्बुलेंस से जोड़ते हुए आप इस बात को याद रखें कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुसूचित और जो जनजाति जो क्षेत्र हैं उन सॉरी मित्रों ये अलग है, जो मतलब जो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वह राष्ट्रपति यानी कि कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति बुला सकता है, राष्ट्रपति बुलाता है मित्रों, इस बात को आप याद रखिए। और ये अनुच्छेद यानी कि एम्बुलेंस के माध्यम से राष्ट्रपति क्या है ना, संसद का संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत बुला सकता है, 108 के तहत बुला सकता है एम्बुलेंस के माध्यम से दोनों को यानी कि दोनों सदनों को राज्यसभा और लोकसभा को बिठा करके एम्बुलेंस में कौन ले जाता है, यानी कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन के लिए ले जाता है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं मित्रों। हम देखते हैं अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 244 इसमें है अनुसूचित जाति, अनुसूचित और जो जनजाति जो क्षेत्र है उनके बारे में जो क्या है प्रावधान दिया गया है, उनके बारे में 244 में दिया गया है, अनुसूचित और जनजाति जो क्षेत्र है उनके बारे में प्रावधान है ये दिया गया है कहाँ पर, 244 पर। हम देखते हैं आगे अनुच्छेद 280, 280 में देखते हैं वित्त आयोग के बारे में यहाँ पर बात की गई है, वित्त आयोग के बारे में 280 पर बात की गई है। आगे देखते हैं 324, 324 में आ जाएगा निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, 324 पर निर्वाचन आयोग आ जाएगा। 330 पर क्या आ जाएगा, 330 पर आ जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की बात की गई है 330 पर। इस बात को भी आप याद रखिएगा मित्रों, इम्पोर्टेंट है यह 330, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति जो है उनके बारे में आरक्षण की बात 330 पे की गई है। और आगे हम बात करते हैं 343 या 343 की बात करते हैं, तो यानी कि संघ की राजभाषा किसके बारे में बात की गई है, संघ की राजभाषा हिंदी के बारे में यहाँ पर बात की गई है, हिंदी के बारे में बात की गई है मित्रों, इस बात को आप याद रखिएगा मित्रों, यानी कि हिंदी के बारे में कहाँ पर बात की गई है, अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में बात की गई है मित्रों, राजभाषा के बारे में बात की गई है, राष्ट्रभाषा के बारे में नहीं, राजभाषा के बारे में। अनुच्छेद मित्रों यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति के जो आपातकाल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट शक्तियाँ आ जाती हैं ये इनको हम देखते हैं यहाँ पर, इनकी जो ये तीनों शक्तियाँ हैं ये इनकी इम्पोर्टेंट है, इनकी 352 में आपातकाल का प्रावधान है मित्रों,
हमारे जो भारत देश पर किसी भी प्रकार का जो बाह्य युद्ध वगैरह जो आतंक वगैरह होता है उससे जो ऐसी स्थिति होती है, तो उस प्रकार से यहाँ पर 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगा लेता है। और 356 पर यदि किसी राज्य में जो सरकार का जो गठन नहीं हो पाता या मतलब सरकार विफल हो जाती है तो राष्ट्रपति का शासन लग जाता है। मित्रों राज्य में राष्ट्रपति का शासन लग जाता है। इस बात को आप याद रखिए मित्रों। और आगे हम बात करते हैं मित्रों 360 के बारे में। 360 के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा वित्तीय संकट आ जाएगा मित्रों। वित्तीय संकट की बात, इनकी वित्तीय संकट पर भी इनकी राष्ट्रपति शासन कब कब लग सकता है। एक तो आपातकाल का जो प्रावधान है अर्थात देश पर किसी भी प्रकार का जो युद्ध वगैरह जो मतलब अशांति वगैरह फैल जाए उस टाइम पर, और जो राज्य में किसी भी सरकार का जो विफल हो जाती है उसके बारे में, और जो वित्तीय संकट हो जाता है उस, यानी कि इन तीनों के उपलक्ष्य में क्या है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो 360 में हो जाता है वित्तीय संकट। इस बात को आप याद रखिएगा मित्रों। और हम आगे बात करते हैं 360 अनुच्छेद 368 के बारे में हम बात करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है मित्रों। इसमें संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है, यानी कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संविधान में नियमों के अनुसार संशोधन किया जा सकता है, मगर यह भी शर्त है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मूल ढांचा जैसा का जैसा ही रहेगा, लेकिन उसमें कुछ हद तक परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मित्रों हम देखते हैं अनुच्छेद 370 इंपॉर्टेंट है मित्रों। 370 को अब हटा दिया गया है मित्रों। पहले क्या है, 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, अब यह क्या हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है मित्रों। यह हो गया है केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ये 370 को हटा दिया गया है मित्रों। अब आगे हम बात करते हैं मित्रों भारतीय संविधान की जो प्रमुख भाग है उनके बारे में। भारतीय संविधान की जो प्रमुख भाग है उनके बारे में हम बात करते हैं। हमारे संविधान में 22 भाग है मित्रों। हम एक एक के बारे में बात करते हैं। पहले भाग में दिया गया है मित्रों राज्य और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में दिया गया है। दूसरा भाग है मित्रों नागरिकता, जो 5 से 11 के बीच में दिया गया है। भाग 3 है, उसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं 12 से 35 के बीच में। और जो राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 में दिए गए हैं, ये दिए गए हैं अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में दिए गए हैं। 36 से 51 के बीच में दिए गए हैं मित्रों। और आगे हम बात करते हैं मित्रों भाग 4 के क में मूल कर्तव्य दिए गए हैं, और यह अनुच्छेद 51 के क में दिए गए हैं। 51 के क को याद रखना है, इधर भी 51 का क है और इधर भी भाग 4 का क है। इसमें क्या है, मूल कर्तव्य दिया गया है। और भाग 8 है उसमें क्या दिया गया है, इम्पोर्टेंट जो भाग है उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं मित्रों। जो भाग 8 है उसमें दिया गया है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन दिया गया है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन दिया गया है। और हम बात करते हैं भाग 15 के बारे में। भाग 15 में दिया गया है मित्रों निर्वाचन। निर्वाचन आ जाता है 324 से 329 के बीच में आ जाता है मित्रों। ये निर्वाचन आ जाता है, और आप याद रखिएगा निर्वाचन कौन से भाग में है, भाग 15 में। और भाग 17 में आ जाएगा राज्य भाषा के बारे में, और राज्य भाषा दी गई है मित्रों अनुच्छेद 343 से 335 के बीच में। अनुच्छेद 343 से 335 के बीच में राज्य भाषा आ जाएगी मित्रों। और हम आगे बात करते हैं मित्रों भाग 18। और भाग 18 ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। भाग 18 आपात उपबंध है, और ये अनुच्छेद 352 से 360 में आ जाएंगे, जो इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तीन स्थितियों में। अभी हमने आगे ऊपर बात की थी मित्रों, तो ये आ जाएगा अनुच्छेद सॉरी भाग 18, और इसमें आ जाएगा आपात उपबंध आ जाएगा, और आपात उपबंध में 351 से 360 के बीच में आ जाएगा मित्रों। और भाग 20 आ जाएगा मित्रों, भाग 20 आ जाएगा, ये संविधान संशोधन आ जाएगा, और ये संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा मित्रों। हम देख लेते हैं मित्रों हमारे जो मूल अधिकार है
उनके बारे में, मूल अधिकारों से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं थोड़े। उसमें हमने वैसे बात कर ली है हम इसके बारे में, इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद थे उनके बारे में तो उनमें देख लिया है। तो इनमें हम देख लेते हैं, अब थोड़ी सी नज़र फेर लेते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वह कौन कौन से हैं और कौन से अनुच्छेद में क्या दिया रखा है। तो इनकी समानता का अधिकार, इनकी समानता का अधिकार मित्रों अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आ जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार आ जाएगा मित्रों 19 से 22 के बीच में। और शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाएगा 23-24 में आ जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ पे आ जाएगा, 23-24 में आ जाएगा। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आ जाएगा मित्रों अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 के बीच में हो जाएगा मित्रों। और आगे हम देखते हैं मित्रों संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है मित्रों 29 से 30 के बीच में। यानी कि 29-30 जो संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए हैं वह संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है मित्रों। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मित्रों 32 से 35 के बीच में आ जाएगा मित्रों। और जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 है, यह भीमराव अम्बेडकर ने इसको क्या है, संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है मित्रों, संविधान की आत्मा कहा है, इस बात को आप याद रखिएगा मित्रों। तो मित्रों हमने ये बात की, तो ये इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट है संविधान के इनके बारे में हमने बात की मित्रों। आपको आशा करता हूँ आपसे कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा मित्रों। और आप कमेंट करके बताइए कि हमें कौन सी कमी है, और मित्रों आपको कैसा लगा यह वीडियो, और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए मित्रों। और अभी तक के लिए आपसे हम अलविदा मांगते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलेंगे। और मित्रों अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।